हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। और आज का ये जो वीडियो होने वाला है, ये है वापस बाइक लवर्स के लिए, यानी जो टीवीएस अपाचे लवर्स हैं स्पेशली उनके लिए। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपनी बाइक की सेकेंड सर्विस के बारे में। मैंने अपनी अपाचे 164V की सेकेंड सर्विस करा ली है और आज मैं आपको उसी के बारे में सारी डिटेल दूंगा, क्या कुछ हुआ सेकेंड सर्विस में, क्या क्या चेंजेस मेरी बाइक में आए और उसकी वर्किंग कैसी रही, परफॉर्मेंस कैसी है उसके बाद मेरी बाइक की। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, अभी लास्ट वीक ही मैंने अपनी बाइक की सेकंड सर्विस करा ली है। हालांकि मेरी बाइक 2200 या 2300 किलोमीटर ही चली थी, पर क्योंकि टाइम लिमिट क्रॉस होने वाली थी तो इस वजह से मैंने अपनी बाइक की सेकंड सर्विस करा ली है। मेरी सेकंड सर्विस में सर्विस सेंटर वालों ने एक तो मेरी बाइक में इंजन ऑयल चेंज किया है, जो कि हर बार सर्विस उसमें होना ही है, मैंडेटरी है। सेकेंड चीज चेंज होती है एयर फिल्टर, पर एयर फिल्टर खाली क्लीन हो जाता है, उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है बार बार। थर्ड चीज है ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर भी मेरी बाइक का बिल्कुल क्लीन था। सर्विस सेंटर वालों ने बताया कि वो 5000 किलोमीटर पे चेंज करना होता है, उससे पहले वो खराब नहीं होता, खाली क्लीन होके लग जाता है। और मेरी, जब मैंने बताया कि आपको के बाइक 2000 कुछ चली है, तो वो फिर मैंने चेंज ही नहीं कराया, वो खाली क्लीन करके उन्होंने उसको एज इट इज लगा दिया है। तो मेरी बाइक की सेकेंड सर्विस में सिर्फ और सिर्फ एक इंजन ऑयल चेंज हुआ है, बाकी जो थोड़ी बहुत बाइक की क्लीनिंग वगैरह वो सब होती है, रूटीन चेकअप, वो सब हुआ है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि मेरी बाइक में सेकंड सर्विस कराने के बाद क्या क्या चेंजेस आए हैं, जो जो मुझे फील हुआ। हालांकि एक वीक हुआ है मेरे को सर्विस कराए हुए, तो इतने ज्यादा किलोमीटर मैंने चलाया ही नहीं है। आई थिंक मेरे ख्याल से 70-80 किलोमीटर चले हैं उसके बाद, पर उसमें भी थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि क्या कुछ परफॉर्मेंस में चेंजेस आए हैं। तो एक एक करके पूरी डिटेल से देखते हैं क्या क्या चेंजेस आए हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं बाइक के इंजन के बारे में। इंजन की परफॉर्मेंस में मेरे को थोड़े बहुत चेंजेस लगे हैं, क्योंकि सर्विस के बाद तो फर्क आएगा ही इंजन में। एक तो इंजन की परफॉर्मेंस काफी बेटर हुई है, पिकअप वगैरह में मेरे को काफी चेंज देखने को मिल रहा है, बाइक बिल्कुल स्मूथ हो गई है, रिफाइंड हो गया है, क्योंकि जब ऑयल चेंज होगा तो बाइक का इंजन तो रिफाइंड होना ही है। तो एक तो ये चीज है। दूसरा फ्रेंड्स, इस बाइक में मेरे को वाइब्रेशन में बहुत कमी लगी है, क्योंकि जब सर्विस इसकी पास थी, सर्विस टाइम, तो इसमें थोड़े बहुत मेरे को लास्ट टाइम पे वाइब्रेशंस और नॉइस फील होने लगे थे हैंडल्स बार में हल्के फुल्के, क्योंकि इंजन पे जोर पड़ता है। पर सेकंड सर्विस कराने के बाद मेरे को इस बाइक में वाइब्रेशन में बहुत फर्क देखने को मिला है, मतलब 80-90 तक आपको बिल्कुल भी वाइब्रेशंस फील नहीं होंगे। नॉइस में इसके काफी अंतर आया, लास्ट टाइम तक इसकी नॉइस थोड़ी सी अजीब सी हो गई थी, पर सर्विस कराने के बाद इसकी नॉइस बिल्कुल स्मूथ हो गई है, कोई फालतू नॉइस नहीं है, जैसी इंजन की आनी चाहिए वैसी आ रही है बिल्कुल। और फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इस बाइक की हैंडलिंग के बारे में। तो बाइक की हैंडलिंग में कोई अंतर देखने को नहीं मिला है, हालांकि क्योंकि कोई ऐसा कोई चेंजेस उन्होंने करा ही नहीं है, ना हैंडल हिलाए हैं, ना कुछ पेच वेच इसके लूज किए हैं, हैंडलिंग में कोई अंतर नहीं आया। जैसे पहले बेस्ट हैंडलिंग थी इस बाइक की, वैसी आ रही है बिल्कुल, उसमें मेरे को कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले। और फ्रेंड्स, अब सबसे मेन बात कि क्या सेकंड सर्विस कराने के बाद मेरी बाइक के माइलेज में कोई अंतर आया है? ये पहले कितना माइलेज दे रही थी और ये अब कितना माइलेज दे रही है? तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जब मैंने बाइक की फर्स्ट सर्विस कराई थी, फर्स्ट सर्विस के बाद ही मेरी बाइक का माइलेज इम्प्रूव हुआ था। मींस फर्स्ट सर्विस से पहले बाइक मेरे को जब न्यू थी, तब मेरे को बाइक माइलेज दे रही थी अप्रॉक्स 40-42 इतना आसपास, पर जैसी मैंने अपनी बाइक की फर्स्ट सर्विस करा ली थी, उसके बाद इसका माइलेज इंक्रीज हुआ था काफी और ये मेरे को 45-48 तक आ गई थी। और अब जब मैंने नोट किया है अपना सेकंड सर्विस कराने के बाद, तो मेरी बाइक मेरे को 48-50 का माइलेज आराम से निकाल रही है ऑन हाईवे। सिटी में देखिए माइलेज नहीं पता चलता, क्योंकि सिटी में आपको बार बार ब्रेक दबाने हैं, क्लच दबेगा, उतना ही इस माइलेज को अफेक्ट करता है। तो हाईवे पे ही असली माइलेज पता चलता है किसी भी चीज का। तो मेरे को ये हाईवे पर आराम से 48-50 का माइलेज बड़े अच्छे से दे रही है विद बेटर परफॉर्मेंस। स्पीड में कोई कमी नहीं है, परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है,
पिकअप मेरे को बिल्कुल बेस्ट मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई माइलेज बढ़ गया तो मेरे को पावर में कोई दिक्कत आ रही है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा हूँ। मेरे को पावर में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ रहा है, मेरे को फर्स्ट क्लास है ये। और फ्रेंड्स अब मैं आपको बताऊंगा कि मेरी सेकंड सर्विस में कितना कॉस्ट आया है, कि अपाचे 164V की सेकंड सर्विस में क्या कॉस्ट लगी। तो मेरा टोटल खर्चा आया है इस बाइक की सेकंड सर्विस में 785 रुपये का। हाँ जी, जस्ट 785, क्योंकि टीवीएस अपाचे का इंजन ऑयल ही 785 का है, तो बस मेरे को उसी की कॉस्ट पड़ी है। जैसे मैंने आपको भी बताया, ना मेरी बाइक में एयर फिल्टर चेंज हुआ है, ना मेरी बाइक में ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है, तो सिर्फ और सर्विस तो फ्री है ही है, 5 सर्विस फ्री मिलती है टीवीएस की तरफ से। तो जस्ट 785 रुपये कॉस्ट आया मेरी सेकेंड सर्विस का। और अब सेकेंड सर्विस के बाद अभी तक मेरे को इस बाइक में कोई भी प्रॉब्लम, इशू, दिक्कत, कोई भी इस तरह का कोई अभी मुझे कुछ फील नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम मुझे ऐसी कोई फेस नहीं हुई है कि हाँ भाई जो मैं बता सकूं कि सेकंड सर्विस में मेरे को ये दिक्कत आई है। अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, जो कि मेनली था टीवीएस अपाचे आरटीआर 164V की सेकंड सर्विस के बारे में। आपका इस बाइक से रिलेटेड या कोई भी बाइक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे से पूछ सकते हैं, आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा हर एक क्वेश्चन का। और इसी तरह चैनल के साथ जुड़े रहिए, और भी वीडियोस आएंगे। हालांकि ये वाला वीडियो थोड़ा लेट आया है, पर अब कंटिन्यू आएंगे वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं करा है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। करते हैं भी क्लोज, टेक केयर।